धौलपुर से मुन्ना फारूकी की ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस को उसे एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब चंबल पुल पर स्थित सागर पाठा चेक पोस्ट पर प्रतिबंधित बजरी की धरपकड़ के लिए बलविंदर सिंह प्रभारी सागरपाड़ा पुलिस चौकी के नेतृत्व में डीएसटी टीम क्यूआरटी टीम व कोतवाली पुलिस की संयुक्त नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना की ओर से प्रतिबंधित बजरी से भरे चार ट्रैक्टरों को पुलिस जाब्ते द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तब पुलिस जाब्ते पर कट्टे से फायरिंग करके पुलिस जाब्ते को तोड़ने की कोशिश मुलजिमों द्वारा की गई, जिस पर पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भागते समय पुलिस द्वारा दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को व एक माफिया को मैं हथियार के धर दबोचा गया, जिसमें पूरी टीम नियोजित आरएसी कमांडो विष्णु कुमार के साहस और शौर्य का परिचय देकर काफ़ी दूर तक चंबल की कंदराओं में एक बजरी माफिया लालू उर्फ देवेंद्र पुत्र सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जैतपुरा थाना सराय छोला जिला मुरैना को मैं अवैध देसी कट्टे 315 बोर 5 जिंदा कारतूस के गिरफ्तार करने एवं चंबल बजरी से भरे हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की। इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर आपराधिक प्रकरण वन्य जीव अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट एवं आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। पुलिस का प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा। इसमें गिरफ्तार मुलजिम कुछ लालू उर्फ देवेंद्र पुत्र शिव सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पुराना सराय धौला जिला मुरैना सदस्य है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों की टीम में सागरपाड़ा चेक पोस्ट पुलिस टीम बलविंदर सिंह प्रभारी सागरपाड़ा पोस्ट, वहीं नेटवर्क कांस्टेबल भगवान दास कांस्टेबल शिव कुमार कांस्टेबल डीएसटी टीम के मुकेश कनिष्ठ ओमवीर कनिष्ठ विष्णु कुमार कनिष्ठ व ईश्वर दयाल कनिष्ठ की अहम भूमिका रही। के लिए विगत दिनों से विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई है। विगत दिनों बसीडांग इलाके में की गई कार्रवाई में काफी बजरी का स्टॉक भी मिला था, जिसको सीज करके काफी तादाद में बजरी को वहां से शिफ्ट किया गया। वहाँ जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर निगरानी जारी है। इसी क्रम में आज प्रातः मध्य प्रदेश से चंबल नदी पर जो सागरपाड़ा चेक पोस्ट है उस पर डीएसटी और क्यूआरटी और जिला पुलिस के जाब्ते द्वारा नाकाबंदी की गई थी। मध्य प्रदेश की तरफ से चार ट्रैक्टर आए जिसमें 5-6 लोग सवार थे। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। इस पूरे संपूर्ण घटनाक्रम में विष्णु कुमार कमांडो आरएसी की असाधारण भूमिका सामने आई। इसने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए एक व्यक्ति लालू उर्फ देवेंद्र सनौप शिव सिंह गुजर निवासी जैतपुर सराय छोला को मैं हथियार के दबोचा है। ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, जो भी ट्रैक्टर ट्रोली पर बजरी माफिया सवार हैं उनके द्वारा पुलिस पर फायर करने की कोशिश की जाती है। पुलिस के जवानों को भी पूरा निर्देश दिया गया है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और नियंत्रित फायरिंग करते हुए बदमाशों का पूरा साहस के साथ पूरा मुकाबला करें। जैसे कोई अवैध हथियार पकड़े गए हैं क्या? एक हथियार और 5 कारतूस पकड़े गए। सर विष्णु कुमार ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए सर उसके अभी FIR दर्ज हो रही है। FIR दर्ज होने के बाद में जो FIR के तथ्य हैं उसके ऊपर जो पुरस्कार प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। अब तक के जो जानकारी मिली है विष्णु कुमार कमांडो का आउटस्टैंडिंग रोल रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रस्ताव भिजवा करके